वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंथोस रोज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नेक्स्ट सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि आर्किगोनियम के बारे में। एंथ्रीडियम के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आर्किगोनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आर्किगोनियम होता है, आर्किगोनिया अराइज इन एक्रोपिटल सिक्वेंस ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। थैलस के अंदर डोर्सल सरफेस के ऊपर ये एक्रोपिटल सीक्वेंस के अंदर ग्रो करता है, अराइज होता है। इन द मोनोसियस स्पीसीज दे आर फॉर्मड ऑन द सेम थैलस विच हैड बोन एंथ्रीडिया। मोनोसियस स्पीसीज के अंदर क्या होगा, जिसके ऊपर एंथ्रीडिया बोन हुआ था उसी के ऊपर जो आर्किगोनिया है वो बोन होगा, यानी कि वो मोनोसियस स्पीसीज होगी। दोनों के उसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस के ऊपर। अब इसके स्ट्रक्चर की अंदर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, कैसे इसकी डेवलपमेंट होती है। द आर्किगोनियम डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल डोर्सल सेल दैट लाइज इमीडिएटली बिहाइंड द ग्रोइंग एपेक्स। जैसे हमने एंथ्रीडिया के केस में देखा था, वैसे ही सिंगल सुपरफिशियल डोर्सल सेल्स होंगी जो कि बिहाइंड द ग्रोइंग एपेक्स प्रेजेंट होती है, उनसे क्या होगा, आर्किगोनियम डिवेल्प होगा। The archegonial initial divides by a transverse wall. इसके अंदर अब ये जो archegonial initial है, archegonial initial क्या करेगा, transverse wall के through इसके अंदर एक transverse wall के through divide होगा and ये बना देगा outer primary archegonial cell and inner primary stroke cell। जैसे कि हमने एंथ्रीडिया के केस में देखा था, same ऐसा ही इसके अंदर भी हो। तो इसके अंदर एक यहाँ पे outer primary archegonial cell बन जाएगी और एक यहाँ पे इनर प्राइमरी स्ट्रोक सेल बन जाएंगे। तो डिवाइड होकर ये दो सेल्स बना लेगा। बट अकॉर्डिंग टू मेहरा एंड हांडो द आर्किगोनियल इनिशियली डायरेक्टली फंक्शन एज अ प्राइमरी आर्किगोनियल सेल। ठीक है, वो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आर्किगोनियल इनिशियल जो है वो डायरेक्टली प्राइमरी आर्किगोनियल सेल की तरह एक्ट करेगा। द जैकेट इनिशियल डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड इसके बाहर जो लेयर होगी सेल्स की जिसको जैकेट बोलते हैं, जैकेट इनिशियल ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगी एंड ये टू टायर्स बना देगी, थ्री सेल्स ईच। ठीक है, तीन सेल्स के दो टायर यहाँ पे फॉर्म करके ये अरेंज हो जाएगी। द सेल्स ऑफ द अपर टायर डिवाइड एंटीक्लाइनली एंड फॉर्म सिक्स सेल्स। अब जो अपर टायर की सेल है वो एंटीक्लाइनली डिवाइड करके वो छह सेल्स बना लेंगी। ठीक है, तीन थी वो छह बना लेंगी। द लेटर अंडरगो रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन एंड फॉर्म द नेक ऑफ द आर्किगोनियम। एंड बाद में और ज्यादा डिवीजन करके, ये ट्रांसवर्स डिवीजन करके नेक ऑफ द आर्किगोनियम फॉर्म कर देगी, विच इज दस कंपोज ऑफ सिक्स वर्टिकल रोज ऑफ स्ट्राइल नेक सेल। ठीक है, और ये किसका बना होगा, ये छह वर्टिकल रोज होंगी स्ट्राइल नेक सेल्स की। जैसे कि ये अगर हम मैच्योर की बात करें तो ये नेक कैनाल और नेक सेल यहाँ पे होंगी। तो ये धीरे धीरे करके ये डिवाइड हुआ, ठीक है, डिवाइड हुआ, फिर ये जैकेट इनिशियल बना, फिर ये और ज्यादा आउटर एंड इनर सेल बनी, इसके बाद कवर सेल यहाँ पे आएंगी, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये यहाँ पे एक नेक, जो ये नेक सेल्स है वो बन जाती है। सिंस द आर्किगोनियम इज एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ द गैमेटोफाइट, द नेक सेल्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दोज ऑफ द थैलस। ठीक है, ये क्या होता है, जो इसके आर्किगोनियम होता है ये क्या होता है, ये गैमेटोफाइट के टिश्यू के अंदर ही एम्बेडेड होता है, इसलिए नेक कैनाल जो नेक सेल्स है वो थैलस से अलग नहीं होती, उसी जैसी होती है। द सेल्स ऑफ द लोअर टायर बाय ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिविजन फॉर्म वेंट्रल फॉल। तो जो नीचे वाली सेल ये बच गई है वो क्या फॉर्म कर लेगी, वो फॉर्म कर लेगी यहाँ पे ये वेंट्रल वॉल फॉर्म कर ली, ऊपर वाली नेक कैनाल नेक सेल फॉर्म कर ली, नीचे वाली वेंट्रल सेल्स फॉर्म, वेंट्रल वॉल या फिर वेंट्रल सेल फॉर्म। अकंपेनड विद द डेवलपमेंट ऑफ द नेक एंड वेंट्रल वॉल द सेंट्रल सेल नोन एज प्राइमरी एक्सियल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल यहाँ पे एक होती है जिसको प्राइमरी एक्सियल सेल बोला जाता है, जिसके बाहर ये जैकेट होती है। तो ये प्राइमरी एक्सियल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म टू सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज, ये दो सेल्स के अंदर डिवाइड करेगी एंड दोनों की दोनों सेल्स क्या होंगी, ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज होगी। लोअर डोर्सल सेल फंक्शन एज द प्राइमरी वेंट्र सेल एंड जो नीचे वाली है वही वेंट्र सेल प्राइमरी वेंट्र सेल की तरह एक्ट करती है इसके अंदर। ठीक है, डिवाइड करेगी एंड नीचे वाली प्राइमरी वेंट्र सेल की तरह एक्ट करेगी।
एंड जो अपर वाली बच गई है, अपर वाली डॉटर सेल अगेन डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड डिफरेंशिएट इनटू एन अपर कवर इनिशियल एंड अ लोअर प्राइमरी नेक्स्ट है। तो ये जो है ये दो थी यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे वाली इनर सेल तो सिंपली प्राइमरी वेंटर सेल बना देगी, और ये जो आउटर वाली सेल है इसके अंदर फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी एंड दो सेल बन जाएगी, जिसमें से एक आउटर होगी एक इनर होगी। एक सेल यहाँ पे जो आउटर वाली है वो क्या करेगी, जो या फिर अपर वाली है वो कवर इनिशियल सेल बना लेगी एंड नीचे वाली प्राइमरी नेक कैनाल सेल फॉर्म कर लेगी। द कवर इनिशियल्स डिवाइड बाई टू वर्टिकल फोल्ड। अब ये जो कवर इनिशियल है, कवर इनिशियल के अंदर दोबारा से क्या होगा, दो वर्टिकल वोल एट राइट एंगल्स, ठीक है, दो वर्टिकल वोल एट राइट एंगल्स होंगी टू ईच अदर एंड फॉर्म अ रोजेट ऑफ द फोर कवर सेल एट द टिप ऑफ द नेक। नेक के ऊपर एक रोजेट बना लेगी, ठीक है, जो क्या होगा चार सेल्स का बनाया होगा और ये टिप के ऊपर होती है, नेक कैनाल के टिप के ऊपर होगी। द प्राइमरी नेक कैनाल सेल बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्म 4 to 6 और रेयरली मोर नेक कैनाल सेल। अब जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल थी, ये वाली प्राइमरी नेक कैनाल सेल थी, ये रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी एंड ये यहाँ पे 4 to 6 रेयरली और मोर कैनाल सेल यहाँ पे फॉर्म करती थी। द प्राइमरी वेंट्र सेल, अब बात आ रही है यहाँ पे सबसे नीचे वाली प्राइमरी वेंट्र सेल की। प्राइमरी वेंट्र सेल डिवाइड बाय अ ट्रांसवर्स वॉल टू फॉर्म एन अपर स्मॉल वेंट्र कैनाल सेल एंड अ लोअर लार्ज एग सेल, ठीक है। ये दोबारा से डिवाइड करेगी और दोबारा से डिवाइड करके एक तो ये यहाँ पे स्मॉल वेंट्र सेल बना लेगी एंड एक यहाँ पे नीचे की तरफ एग सेल बना लेगी। इसके बाद मेच्योर आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेवलपमेंट हो गई है जो भी स्ट्रक्चर थे इसके अंदर, ऊपर कवर सेल थी, नेक सेल, नेक कैनाल सेल है, उसके नीचे वेंटर है, वहां पे क्या है एग प्रेजेंट है। तो मेच्योर आर्किगोनियम के अंदर ये एम्बेडेड होता है इन द डोर्सल सरफेस ऑफ द गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के डोर्सल सरफेस के ऊपर ही एम्बेडेड होता है, बट द कवर सेल प्रोट्रूड स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ द थैलस। एंड ये यहाँ पे जो कवर सेल्स होती हैं वो स्लाइटली प्रोट्रूड करती है, बाहर की तरफ निकलती है इस डोर्सल सरफेस से। द नेक इज कंपोज ऑफ 6 वर्टिकल रोज ऑफ द नेक सेल्स। अब ये जो नेक है ये क्या बनी होती है, नेक कैनाल सेल्स की बनी होती है, जिसके अंदर 6 वर्टिकल रोज होती है नेक सेल्स की। एंड द नैरो कैविटी ऑफ द नेक इज ऑक्यूपाइड बाई एक्सियल रो ऑफ 4 to 6 और मोर नेक कैनाल सेल्स। एंड जो इसकी एक्सियल रो होती है वो 4 to 6 और मोर नेक कैनाल सेल से भरी हुई होती है, ठीक है। ये जो है ये नेक कैनाल हो गई और ये इसके अंदर नेक कैनाल सेल होती है। द लोअर स्वेलन वेंटर कंटेन्स एन लार्ज एग एंड रिलेटिवली स्मॉल वेंटर कैनाल सेल। यहाँ पे एक स्मॉल वेंटर कैनाल सेल होती है ये, और एक यहाँ पे लार्ज एग सेल होती है। इसके बाद ये मिच्योर होने के बाद, लाइक हमने देख लिया है आर्किगोनियम भी मिच्योर हो गया है, एंथ्रोजोइड्स भी हमने देखा था कि उनकी डिहाइसेंस होकर वाटर के अंदर चले जाते हैं। अब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, तो प्रायर टू फर्टिलाइजेशन द कवर सेल्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द आर्किगोनियम सेपरेट। ये क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, ताकि जो एंथ्रोजोइड है उसके अंदर वहां से एंटर कर सके। द नेक कैनाल सेल एंड द वेंटर कैनाल सेल डिस इंटीग्रेट एट द सेम टाइम फॉर्मिंग अ म्यूचिलिजिनियस मास। नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल जो थी वो भी क्या हो जाएगी, डिस इंटीग्रेट हो जाएगी एक ही टाइम पे एंड एक म्यूचिलिजिनियस मास यहाँ पे फॉर्म कर देती है। द म्यूचिलेज कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ माउंड एट द टिप ऑफ द आर्किगोनियम। एंड यहाँ पे कवर सेल थी, इसके टिप के ऊपर ये ऐसे एक माउंड जो है इकट्ठा कर लेता और यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये जो है म्यूसिलेज कलेक्ट कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ अ माउंड एट द टिप ऑफ द आर्किगोनियम। म्यूसिलेज ये क्या होता है, म्यूसिलेज कलेक्ट हो जाता है एक माउंड के टिप के ऊपर। फ्रीली स्विमिंग एंथ्रोजोइड आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेक ऑफ द आर्किगोनियम बाय द केमिकल प्रेजेंट इन द म्यूसिलेज। अब इस म्यूसिलेज के अंदर जो केमिकल है यहाँ पे, वो केमिकल क्या करेंगे, वो केमिकल अट्रैक्ट करेंगे एंथ्रोजोइड्स को, ठीक है। एंथ्रोजोइड्स को क्या करेंगे, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऑल्दो मेनी एंथ्रोजोइड्स एंटर द नेक, बहुत सारे एंथ्रोजोइड एंटर करेंगे, वन ऑफ देम फ्यूजेस विद द एग एंड दस ओस्पियर इज फॉर्म। अब एक इनमें से आके क्या करेगा, यहाँ पे ये एग था और ये एंथ्रोजोइड था बाइफ्लैजिलेटेड, ये फ्यूज करेगा एंड फ्यूज करके ये एक ऊ स्पोर बना लेंगे, ठीक है। ये एक ऊ स्पोर यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं।
तो यहां तक हमने बात कर ली कि ऊ स्पोर कैसे बना। अब ऊ स्पोर से स्पोरोफाइट कैसे बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।